कल मैंने ऑब्जेक्टिव सेट दिया था 30 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग आंसर लिखे होइएगा, और आज पहले उसका आंसर मिलवा देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन देंगे और उसका कोशिश करेंगे आंसर ही आते थे। स्वाभाविक है हल्का सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, ये वीडियो लंबा होगा और आप लोग लंबे वीडियो का आनंद लें, ठीक ना। चलिए अपना अपना आंसर शीट खोलिए, कल वाला 1 मिनट निकालिए आंसर शीट, समय कम है तो तैयारी तो करना है ना, इसलिए निकालिए अपने आंसर शीट निकालिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा बात है, चलिए तो मिला ही पहला क्वेश्चन का जो आंसर था उसका आंसर है साझेदारी अधिनियम 1932। पहला क्वेश्चन आंसर हुआ साझेदारी अधिनियम 1932। क्वेश्चन दूसरा का आंसर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स माने मैक्सिमम 50। तीसरा का आंसर बराबर बराबर इक्वली। क्वेश्चन चार का आंसर आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन पाँच पर्सनल अकाउंट मतलब ए वाला आंसर पर्सनल अकाउंट। नंबर सिक्स इसका है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस सी नंबर। नंबर सात का आंसर होगा सी प्रभार यानी ए चार्ज। आठ का आंसर होगा ड्रॉइंग यानी आहरण। नौ नंबर क्वेश्चन था ना साझेदारी समझौता कहलाता है, इसका आंसर होगा आपको डी साझेदारी संलेख, ठीक है। दस का आंसर होगा ए फर्म, क्या होगा फर्म। ग्यारह का आंसर होगा पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट। 12 का आंसर होगा स्वैच्छिक माने वॉलेंट्री, क्या आंसर होगा स्वैच्छिक मतलब वॉलेंट्री। नंबर 13 का आंसर सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटीज, क्या होगा लिमिटेड लाइबिलिटीज। 14 का आंसर फर्म का नाम, आंसर क्या होगा नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम आंसर नंबर सी। चलिए 15 में आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदार की पूंजी खाते। नंबर 16 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। 17 साझेदारों का दायित्व होता है इसका आंसर होगा अनलिमिटेड यानी असीमित। 18 का आंसर मानिए डी उपरोक्त सभी। 19 का आंसर मानिए डी उपरोक्त सभी। 20 का आंसर डी उपरोक्त सभी यानी 18, 19, 20 तीनों का आंसर डी। 21 का आंसर लिखिए सी समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट। 22 का मानिए सी साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 23 का लिखिए लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 23 का आंसर क्या हुआ लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 24 का आंसर लिखिए केवल साझेदारों के पूंजी खाते में ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ लिखेंगे पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 25 लाभ हानि विनियोजन खाते में कौन सी मद नहीं होती है ना, इसका आंसर होगा इन ड्रॉइंग अकाउंट। और 26 मैथमेटिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि अगर 5000 रुपया कोई आदमी माह के फर्स्ट डे में निकालता है तो 5% दर से उसको वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। थोड़ा सा हिंट आपको हम याद कराते हैं, आप लोगों को याद ही होगा उसका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो था उसका माह के शुरू में होता है तो याद है ना 6.5 यानी 12×5=60,000 गुने 6.5/100 गुने 6.5/12 गुने 5/6 काटेंगे तो 1625 रुपये आएगा 1625 रुपीज़। 26 का आंसर लिखिए, 26 का आंसर हो जाएगा 3000 रुपये आहरण करता है प्रत्येक माह के मध्य में, तो मध्य में तो 6/12 तो 6/12 हो जाएगा तो 5% से इसका आंसर हो जाना चाहिए 27 का सी। 27 आंसर लिखिए सी। एक साझेदार फिर 28 का आंसर लिखिए बी 1650। 29 का आंसर लिखिए ए 5000 और 30 का आंसर लिखिए 750 यानी आंसर नंबर बी 750। तो 30 हो गया मात्र 4 मिनट में मैंने 30 क्वेश्चन बता दिया। आज 31 क्वेश्चन यानी आपका आज का क्वेश्चन एक दो होगा तो फिर आप 31, 32 से लेकर 60 तक जल्दी जल्दी लिख लो, 60 तक लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 60 तक आप लिख लीजिए। और अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। राखी तुम बहुत अच्छा देख रही हो वीडियो, वेरी वेरी थैंक यू, और आप शेयर भी कर देंगे। आपका प्रॉब्लम था चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव शायद ना, तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द जारी करेंगे, सब्जेक्टिव भी जारी करेंगे राखी। और अच्छी बात है कि आप वीडियो देखते हैं, शेयर कर दीजिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। नहीं थैंक यू आपका, बराबर हमको कमेंट आता है, अच्छा लगता है, आप ठीक देख रहे हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं राखी क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए 31 का पहले निकालिए। पहला क्वेश्चन है ए बी और सी है जो 2:3:5 में लाभ हानि को बांटते हैं। इनका कैपिटल ए का है 15,000, बी का है 30,000 और सी का है 60,000 यानी 60,000।
वह 2017 में उनकी पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक ब्याज देना था, मगर गलती से 12% दिया गया। 10 के बजाय कितना दिया गया? 12% दिया गया। तो इसके एडजस्टमेंट के एंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर एक में 150 रुपया, मैंने एडजस्टमेंट कितने रुपीस करेंगे, 175 रुपया, 125 रुपया या 210 रुपया। ए में 150, बी में 175, सी में 125 और डी में 210। ठीक है। बी नंबर, साझेदारी अनुबंध कहलाता है। नंबर एक अनिवार्य कंपलसरी, नंबर दो वॉलेंट्री, नंबर तीन पार्टली कंपलसरी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साझेदारी अनुबंध क्या कहलाता है? ए में अनिवार्य या दो में वॉलेंट्री, सी में पार्टली कंपलसरी यानी अंशतः अनिवार्य या डी इनमें से कोई नहीं। नंबर 33 कहता है एक्स वाई तथा जेड 3, 2, 1 में लाभ हानि को बांटते हैं और इनका जो ड्रॉइंग था वो 250, 150, 1000 रुपया ब्याज बनता था ड्रॉइंग पर, जो कि नहीं लगाया गया, भूल गया, इसकी प्रविष्टि में कितना का डिफरेंस आएगा वो बताना आपको, कितनी राशि होगी। नंबर ए में 3 रुपया, नंबर बी 15 रुपया, नंबर सी 12 रुपया और या नंबर डी 18 रुपया। क्वेश्चन 34, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। ये क्वेश्चन 2015 के BSEB में पूछा था। नहीं, क्या लिखेगा क्वेश्चन, लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म इज ए आय यानी इनकम, नंबर बी एक्सपेंडिचर यानी व्यय, नंबर सी हानि और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और आगे देखते हैं आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 मिलाइए। 35, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द फर्म इज पूंजी का भुगतान कैपिटल पेमेंट, नंबर बी एक्सपेंडिचर, नंबर सी कैपिटल रिसिप्ट और डी आय इनकम। क्या है चारों में देखना है आपको। आगे आगे क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, पूंजी पर ब्याज साझेदारों के वेतन आदि कहाँ दिखाते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, लाभों का नियोजन में, नंबर बी लाभों को बढ़ाना इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, नंबर सी लाभों पर प्रभार चार्ज ऑफ प्रॉफिट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 37 क्वेश्चन में है, साझेदारी फर्म के लिए लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद लिखी जाती है? क्वेश्चन सुन लिए, साझेदारी फर्म में लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद लिखी जाती है? ठीक है मुजाहिद, चलो लिखो आगे। विच आइटम इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? विकल्प नंबर पहला, साझेदारों की पूंजी खाते में यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। नंबर दूसरा, साझेदारों का वेतन या कमीशन सैलरीज और कमीशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहरण पर ब्याज या डी ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी, यानी कौन सा चीज साझेदार के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं? ठीक है। नंबर 38, निम्न में से कौन सी मद साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं दिखाई जाती, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं? जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों के ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, नंबर डी साझेदारों के आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग या सैलरीज पार्टनर सैलरीज। आपको देखना है चारों में कौन आंसर होगा। 39, वेतन के बारे में स्पष्ट समझौते के अभाव में कैसे बांटना चाहिए? सभी साझेदारों को वेतन दिया जाएगा गिवेन टू ऑल पार्टनर, फर्म में काजे साझेदारों को वेतन दिया जाएगा मतलब जो फर्म में काम करेंगे उनको सैलरी दी जाएगी, सी नंबर वेतन ही नहीं दिया जाएगा सैलरी नो सैलरी गिवेन, नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप याद कीजिएगा साझेदारी सलने के अभाव में एब्सेंस ऑफ पार्टनर डी डैश 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 सर लिखा है ना। 40, साझेदारों के चालू खाते किस प्रकृति के होते हैं? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, एसेट्स या लाइबिलिटीज? साझेदारों के चालू खाते कौन सा अकाउंट होता है? नंबर 41 यानी 41, भूतकालीन समायोजन किए जाते हैं पास एडजस्टमेंट आर मेड लाभ हानि खाता बनाने से पहले बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता बनाने के बाद, नंबर सी लाभ हानि खाता बनाने पर यानी सिमुलेशनेशनी विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी समयों पर ऑल टाइम्स, नंबर 42 ए तथा बी साझेदार है, ए की पूंजी 2 लाख और बी का पूंजी है 50,000, अब फर्म में प्रॉफिट हुआ 50,000, बताइए दोनों का हिस्सा कितना कितना होगा? यहाँ पे साझेदारी संलय की चर्चा नहीं है याद रखिए, यानी कैपिटल एक का 2 लाख दूसरा का है 50,000, अब प्रॉफिट हुआ 50,000, ए का शेयर कितना होगा बी का शेयर कितना होगा? ठीक है, आई विकल्प सुनिए, नंबर ए 25,000 ए का 25,000 बी का, नंबर बी 30,000 ए का 40,000 बी का,
नंबर सी 40,000 ए का, 10,000 बी का, नंबर डी 10,000 ए का और 40,000 बी का। तो बताइए कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 43। पी एंड क्यू दोनों साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ हानि को बांटते हैं। इनका कैपिटल पी का है 4 लाख और क्यू का है 2 लाख। पूंजी पर 8% की दर से ब्याज चार्ज करते हैं। 2017 में 30,000 रुपया लाभ होता है। समझौते में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख नहीं है, यानी यह नहीं लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। साझेदारी समझौते में पूंजी पर ब्याज, तो बताइए कि पूंजी पर ब्याज की राशि दोनों का कितना हो। अगर पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा तो कितना ब्याज की राशि होगी। ए का 32,000, पी का 32,000 एंड क्यू का 16,000 16,000। बी नंबर में पी का 20,000, क्यू का 10,000। सी नंबर पी का 31,200 और क्यू का 20,800। नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर कहता है क्वेश्चन 44 में कि एक साझेदार कौन है, साझेदार यानी पार्टनर है। तो कोई साझेदार है, आज रोशनी की व्यवस्था थोड़ा कम है ना, कोशिश करते हैं। एक साझेदार है जो एक वर्ष में 12,000 रुपये एक बार निकाल लिया और ड्रॉइंग का जो रेट है वो 6% है, ठीक है राखी। तो बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरे साल का कितना होगा। याद कीजिए, पूरे साल में 12,000 रुपये निकालता है और उसका जो रेट है वो 6% वार्षिक है, कैसे निकालेंगे और कितना होगा, ठीक है। याद कीजिए, जब रेट डेट नहीं दिया हो तब 6/12, माह के शुरू में 6/12 6.5/12, माह के मिडिल में 6/12 और एंड में 5.5/12, क्वार्टरली के शुरू में 7.5/12 और एंड में होता है 4.5/12 और मिडिल में होता है 6/12। तो उसको ध्यान में रखें, निकालिए और आंसर फट से लिख दीजिए। चलिए, ए का आंसर 72 रुपये, बी का आंसर 360 रुपये, सी का आंसर 720 रुपये और डी में इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी भरिए, ए का 72, बी का 360, सी का 720 और डी में इनमें से कोई नहीं। 45 में लिखिए क्वेश्चन, बोलूँ शुरू। ए तथा बी 7:3 में लाभ हानि को बांटते हैं। मैं दो पार्टनर ही अभी, एक 7 अभी 3। इनका पूंजी क्रम से 2 लाख और 1 लाख कैपिटल है। 2018 में खाता बंद करते समय क्लर्क को 10% के बजाय 12% की दर से पूंजी क्रेडिट हो जाता है। बताइए कितना राशि का एडजस्टमेंट एंट्री होगा, 200 रुपये का, 600 रुपये का, 400 रुपये का या इनमें से कोई नहीं। भर ले 200, 400, 600 या इनमें से, ए में 200, बी में 600, सी में 400, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो 2:3 में 2:3 में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए का कैपिटल है 3 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख। 2018 में जब वर्ष बंद हो रहा है तो ए को 8% के बजाय 6% माने कम दिया गया। तो अब बताइए कि इसका क्या असर पड़ेगा जनरल प्रविष्टि पर। 2,000 रुपये का अंतर होगा, 6,000 का अंतर होगा या सी नंबर में 4,000 रुपये के अंतर होगी, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए, 2 और 3 में ए बी पार्टनर है, ए का कैपिटल है 3 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख और ये खाता बंद हुआ तो पूंजी पर जो इंटरेस्ट और कैपिटल था वो 8% के बजाय 6% चार्ज हो गया। तो बताइए कि उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, 60 तक जाना है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया। एक्स वाई और जेड 5 बिंदु में लाभानी को बांटते हैं। जेड को 10,000 प्रतिवर्ष न्यूनतम गारंटी दिया जाता है। गारंटी वाला क्वेश्चन है कि 10,000 तुमको शेयर मिलेगा ही मिलेगा। वर्ष 2019 में लाभ 40,000 रुपये है, बताइए कितना राशि मिलेगा। ए को 8,000, बी को 12,000, सी को 10,000, डी में इनमें से कोई नहीं। खोजना इस आंसर को कौन होगा, सी के जेड का हिस्सा कितना होगा। 48, जब आहरण का समय न दिया गया, ठीक है, माने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया गया कब निकाला गया, तो हम क्या रूल अपनाते हैं। 6.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5.5 माह के लिए या 12 महीने के लिए, ब्याज कितने दिनों का दिया जाता है, मैं कितना बटे 12 करते हैं ध्यान रखना। 49, प्रत्येक साझेदार को अधिकार है, प्रत्येक साझेदार को क्या अधिकार है। पहला, फर्म के प्रबंधन में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इन द फर्म मैनेजमेंट। नंबर बी, टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म प्रॉफिट, फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। नंबर डी, फर्म के लेखा पुस्तकों को देखने का, टू इंस्पेक्ट ऑफ द बुक अकाउंटिंग ऑफ द फर्म या डी ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है ओपनिंग कैपिटल पर, एवरेज कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल पर या नॉन ऑफ दिस। भी क्वेश्चन है ये, 2010 में और 16 में पूछा है, इस साल पूछेगा क्वेश्चन, लिख लो।
साझेदारों के किस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, बिगिनिंग पे ए नंबर में, बी नंबर में एवरेज में, सी नंबर क्लोजिंग कैपिटल पे, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। 51, यदि साझेदार को अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है तो वह ब्याज दिया जाएगा प्रॉफिट में, केवल लाभों में से। नंबर दो, लाभों में से या पूंजी में से, प्रॉफिट में या कैपिटल में, केवल पूंजी में से, ओनली कैपिटल में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सुन लिए क्वेश्चन नंबर 52, साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होता है, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट होता है ना, उसके बारे में। द बैलेंस ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, आइदर ऑफ टू, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। कोई आपको एक जो लगता है उसको आंसर टिक आउट कर लीजिए। 53, 53 नंबर, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, माने कब साझेदारी अधिनियम लागू हुआ भारत में। 1832 1832 में, बी नंबर 1932 में, सी नंबर 1856 में, डी नंबर 1872 में। कल आप लोग आइएगा तो लिखेगा, हम चेक करेंगे आपको कॉपी में कौन कौन बंदा बना के लाता है। 54, 54 नंबर, एक साझेदार अपने हिस्से का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है, ए पार्टनर में ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ हिज शेयर टू द अदर पर्सन। नंबर ए विकल्प, किसी एक साझेदार की सहमति से, आधे से अधिक साझेदार की सहमति से, नंबर सी सभी साझेदारों की सहमति से, नंबर डी न्यायालय की अनुमति से, मतलब बाय द कंसर्न ऑफ द वन पार्टनर, बाय द कंसेंट ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ पार्टनर, और बाय द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर, बाय द प्राइमेंस ऑफ द कोर्ट। अरे क्वेश्चन नंबर 55, साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्स्टेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कौन सही है। समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी अनुपात में होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग शैल बी इन द कैपिटल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ द डीड। नंबर टू, बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदार 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स केस ऑफ द बैंकिंग ऑफ द फर्म 20। नंबर सी, समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी वेतन पर यानी लोन पर 6% ब्याज दिए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% पर ईयर एब्सेंस ऑफ द डीड। नंबर डी, सामान्य फर्म में अधिकतम व्यक्ति दो होंगे, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू इन मैक्सिमम कंडीशंस। अब इसमें बताना है कोई एक ही बात सही है और तीन बात गलत है, आपको छांटना है कौन बात सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, साझेदारी संलय के अभाव में साझेदार किस चीज़ का हकदार नहीं होते, यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स डीड, पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू द रिसीव, मतलब साझेदार क्या नहीं पा सकता है, समझ गए। विकल्प लीजिए, पहला विकल्प है वेतन पाने के, सैलरी उसको नहीं मिलेगा, नंबर दो कमीशन, नंबर सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर डी उपरोक्त में से सभी, ये सब नहीं मिलेगा या कोई एक नहीं मिलेगा, आप मानिएगा। नंबर लिस्ट देखिए 57, लाभ और नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं, रिजर्व फंड से, इज फॉर नेट प्रॉफिट से, फॉर डिविजुअल प्रॉफिट से, नन ऑफ दीज, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष से, शुद्ध लाभ के लिए, विभाजन योग्य लाभ के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और साझेदारी समझौता नहीं हो उसको क्या नहीं मिलेगा, पहला सैलरी मतलब वेतन, नंबर दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, नंबर सी कमीशन, नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 59, समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, समझौते के अभाव में साझेदार को क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया देख लीजिएगा। समझौते के अभाव में यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसको क्या मिलेगा, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, नंबर दूसरा कमीशन, नंबर सी आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या नंबर डी सीधे ड्रॉइंग, क्या मिलेगा। इसका विकल्प मैंने गलत बता दिया, फिर देखिएगा। समझौते के अभाव में साझेदार को क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन है, नंबर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर बी कमीशन, नंबर सी इंटरेस्ट ऑन लोन, या नंबर डी ऑल ऑफ इवन। देख लीजिए समझौते का भाव क्या मिलेगा, पूंजी पर ब्याज, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन, इनमें से सभी। नंबर डी और लास्ट क्वेश्चन,
लाभ हानि नियोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद नहीं दिखाई जाती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लोग क्या नहीं लिखना चाहिए। क्लियर। आइए विकल्प और पहला पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर बी साहेदारों के वेतन इन सैलरी ऑफ पार्टनर्स, नंबर सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नंबर डी सीधे ड्रॉइंग। तो चलिए 60 कंप्लीट हो गया, आप लोग घेर दीजिए। आइए आपको हम लगले आंसर मिलवा दें ताकि एक कंप्लीट ही हो जाए। 30 तक मिलवा चुके हैं, 31 नंबर का आंसर मिला। ये चैप्टर आज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट वीक में देंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग कुछ तैयारी कर ले और लेसन टू आप लोग ठीक ढंग से बनाएगा। पार्टनरशिप का तीसरा मतलब दूसरा चैप्टर इसके बाद वाला, ठीक है। 31 का आंसर मिला ये 150 रुपया ए आंसर होगा, 32 का आंसर बी वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक होगा, 33 का आंसर 15 रुपया बी होगा, 34 का आंसर ए इनकम होगा, 35 का आंसर बी एक्सपेंसेस होगा, 36 का आंसर ए लाभ हानि नियोजन प्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, 37 डी ऑल ऑफ एबव होगा, 38 का आंसर बी साहेदारों के ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स होंगे, 39 वेतन नहीं दिया जाएगा मैंने सी आंसर होगा नो बी नॉट बी गिवेन, नंबर 40 ए पर्सनल अकाउंट होगा, 41 आफ्टर प्रिप्रेसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का भूतकालीन समायोजन मतलब 41 का आंसर बी होगा, 42 का आंसर लिखो ए, ए का 25,000 बी का 25,000 25,000 आंसर होगा, 43 का आंसर ए 32,000 एंड 16,000 यानी 32,000 और 42 16,000 होगा, 44 का आंसर 360 होगा बी नंबर, 44 का कौन आंसर होगा बी यानी आंसर 360 और रुपया का रुक जाना, 45 का आंसर ए होगा 200 क्या होगा 200, 46 का आंसर ए 2000, 47 का आंसर लिखिए सी 10,000, 48 का आंसर लिखिए 48 का बी 6 महीना के लिए 6 मंथ, 49 का आंसर लिखिए डी ऑल ऑफ एवर, 50 का लिखिए ऑन बिगिनिंग कैपिटल ए का प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है ना, नंबर 51 लिखिए केवल लाभों में से ओनली प्रॉफिट ए आंसर, 52 का आंसर लिखिए सी दोनों में ए और बी दोनों मिला के आंसर होगा सी, 53 का आंसर बी 1932, 54 का आंसर लिखा सी सभी साहेदारों की सहमति से बाय द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, 55 का आंसर लिखिए सी साहेदारों समझौते के अभाव में साहेदार को ऋण पर ब्याज वार्षिक दिया जाए कितना परसेंट 6%, 56 का आंसर लिखे डी उपरोक्त में सभी, 57 आंसर लिखे विभाजन योग्य लाभ निर्धारण के लिए टू डिविजिबल प्रॉफिट, 58 का आंसर लिखे डी ऑल ऑफ एवर मैंने उपरोक्त सभी, 59 का आंसर लिखे सी ऋणों पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन, और 60 का लिखे ड्रॉइंग आंसर नंबर डी। तो ये खत्म हो गया आपको, आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को मैं चाहता हूँ कि उनको मेरे वीडियो का जरूर लाभ मिले, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जो बना के लाएगा आपको दिखाएगा या मैसेज कीजिएगा कि 60 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर आए, तब जाके मैं इसका दूसरा वीडियो बना के आप लोग तक निश्चित पहुँचाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना।